हेलो दोस्तों, माय नेम इज फहीम खान, आपके यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत है। आज हम लेके आए हैं स्टार्टिंग कैसे करें। गाड़ी वालों की परेशानी जो होती है सबसे ज्यादा, कई बार भी गाड़ी खड़ी हो जाए तो उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। आइए हम आपको बताते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो देखिए। स्टार्टिंग के लिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर हमारी चाबी जो है स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, तो किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी के लिए। चलते हैं मेरे वीडियो के साथ में, लेते हैं वीडियो का मजा और सीखते हैं कि किस तरह से हम गाड़ी स्टार्ट करें। जो हमारी गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, अगर चाबी से हमारी स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, तो हम उसको एक स्टार के द्वारा किस तरह से स्टार्ट करेंगे। आइए आपको फ्यूज बॉक्स से लेके चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो है गियर में गाड़ी आ गई है। गियर में होने के बाद हमारी गाड़ी ये स्टार्ट होती है। न्यूट्रल जैसे हमने कर दिया वैसे ही हमारी स्टार्ट होती है, मगर हमारी जो है गाड़ी न्यूट्रल दिखाने के बाद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको करना है। ऐसा है जैसे आपको ये न्यूट्रल नहीं आ रही है गाड़ी के अंदर, और नहीं आने के बाद आपकी गाड़ी कैसे स्टार्ट करें वो हम आपको बताते हैं इस फ्यूज के फ्यूज बक्से के द्वारा। देखिए, ये आपका स्टार्टर लॉक आउट रिले इसके अंदर लगा के दिए टाटा मोटर्स ने। सबसे पहले फ्यूज बक्से के अंदर सब कुछ होता है लिखा हुआ, आप उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे गाड़ी। अगर आपकी गाड़ी जैसे न्यूट्रल नहीं दिखा रही है और जो हमारी गाड़ी का जो है स्टार्ट नहीं हो रही है, देखिए ये जैसे मान लिया हमने सेल्फ, ये हमारा स्टार्ट नहीं हो रही है। देखिए रिले आपकी आवाज कर रही है मगर हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्यूज बक्सा देखेंगे। फ्यूज बक्से के अंदर लॉक आउट रिले स्टार्टिंग के है ये, तो ये कहाँ पर है, ये आपकी अलग ही ये रिले लगी हुई है। तो हमने इसको रिले को निकालेंगे, निकालने के बाद तो देखिए ये लॉक आउट रिले ये होती है। देखिए ये अलग रखा हो यहाँ पर खाचा, ये अलग अलग है, तो वैसे ही हम वाले यहाँ से रिले निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहां से हम जो रिले निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसके अंदर एक तार का टुकड़ा यहां से लेंगे, और ये हमने चाबी भी ऑन करने के बाद हम यहां से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे एक तार यहां पर लेंगे, देख रही है, एक तार यहां इसको आराम से लगाएंगे, और दूसरा इसको यहां से लगा के स्टार्ट, ये आपको बीच में लगाने के बाद, और यहां से सेल्फ मार देंगे। देखिए ये आपकी ये जो है स्टार्ट हो गई। ये दो तार के टुकड़े आपस में मिलाना जरूरी है, और अगर मान लीजिए 1% को आपने यहाँ से नहीं मिलाया और सिर्फ खाली आपने इस बीच वाली तार में आपने लगाया, लगाने के बाद आपने इसको तार यहाँ से करंट दे दिया इसका, इस तरह से आप स्टार्ट कर लेंगे गाड़ी। और कहीं पर भी टाटा मोटर्स में जाने के बाद आपको वहां जाके दिखा देंगे, फिर आप जो है इसमें रिले लगा देंगे। देखिए मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, यहाँ से गाड़ी आपने आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप ये दोबारा रिले निकालेंगे। यहाँ से निकालने के बाद इसकी बीच वाली जो पिन है इसके अंदर आप ये तार का टुकड़ा लगाएंगे, क्योंकि मैं साधारण यूज सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ड्राइवर लोगों को मालूम नहीं होती है तार का। देखिए बीच में हमने तार लगाई, उसके बाद इन तारों में करेंट आता है, ये आपका डायरेक्ट आएगा, ये चाबी से आएगा, ये हमने यहाँ से हल्का सा सेल्फ से स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो इस तरह से ये आपको जो है स्टार्टिंग आप जो है कर सकते हैं, और वैसे ही ये आपको पूरा लगाने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, तो फिर आप टाटा मोटर्स में जाके फौरन दिखाएं। तो आपको जो है किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, कहीं पर जंगल में आपकी गाड़ी है तो आपको छूते स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ खाली तार के पॉइंट से एक दो तार का टुकड़ा मैंने आपको बताया कि बीच में लगाना और इसको आपको करंट देना, तो उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।